वेलकम टू माई चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम, और हम आपके लिए एक झटपट रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं। आप इसको इफ्तार टाइम में बना सकते हैं। अगर आप इफ्तारी ज़्यादा नहीं बना रहे हैं तो लाइट सा एक आपका मील है ये खाना, तो ये आप इसको खाएं। चाइनीज़ आज हम बना रहे हैं, ड्राई चिकन चिली बना रहे हैं। तो सब अपने तरीके से बनाते हैं, आज हम आपको अपना तरीका बता रहे हैं। तो ये देख ले, मेरे पास ये बॉल हैगा खाली। पहले हम मैरिनेशन करेंगे, तो ये मेरे पास, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। ये देखें, मेरे पास ये हाफ ब्रेस्ट पीस रहेगा चिकन का। तो ये मैंने इसको देखें, ये इस तरीके का, ये पतला और लंबा पीस। इसका जितना छोटा और लंबा पीस करेंगे ना आप, इतना फ्राई होने में इतना अच्छा आएगा ये। तो ये मैं डाल दूँगी इसमें। और जनाब ये हमारे पास, ये देखिए लहसुन अदरक है, ये हमारे पास जमा हुआ था, पीस के रखा हुआ है, इसमें पानी डाल दिया था। ये डाल देंगे इसमें। ये मेरे पास आधी चमची काली मिर्च है, ये डाल देंगे। और जनाब ये मेरे पास एक अंडा है, ये देख लें, अंडा मैं इसमें डाल दूंगी। ये अंडा डाल देंगे इसमें। और इसमें हसबे जायका नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं रखिएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। ये देखें, ये मेरे, अच्छा इसको कलर देने के लिए ना मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, वो कश्मीरी मिर्च के लिए मैं आपको बता रही थी कि कलर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है, तो आप इसमें वो ऐड करें। अच्छा, इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा हम इसकी असल में कोटिंग कर रहे हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये हमारे पास छना हुआ मैदा है, ये मैं 2 चमचे इसमें मैदा डाल रही हूँ। सही है, मैदा डाल देंगे। और जनाब ये इधर हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ये डाल देंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे, अच्छा इसमें लेमन जूस डलता है, लेकिन मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, तो मैं अपने अंदाजे से, बस अंदाजे से थोड़ा सा आप अपने हिसाब से डालें जितना सिरका यूज़ करते हैं, कोई वो नहीं, मैं सब अंदाजे से डाल रही हूँ यहाँ पे चीज़ें। आप 1 चमचे का हिसाब ले लें या आधे चमचे का अपने हिसाब से। थोड़ा मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी, अंदाजे से डाल रही हूँ मैं सब, आप अपना मेजरमेंट देख लें कितनी आप चिकन बना रहे हैं। सोया सॉस डालूँगी, क्योंकि हम इसमें मैरिनेशन कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें हॉट सॉस भी डालूँगी। बस ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि, अच्छा मैं इसके, इसका ना एक आपको सीक्रेट बता रही हूँ कि ना, ये सब चीज़ें मैदा और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी ना, आप इसमें ये देखें, ये बेकिंग पाउडर ना थोड़ा ऐड करें, तो जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत ही आपको फ्लफी सा ना फ्लेवर देगा। ये मैं इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया, और बहुत फूला हुआ और चिकन का जो कोटिंग है ना, वो बहुत ज़बरदस्त सी आएगी। तो आप एक इस बार जो है आप इसको देखिएगा, ट्राई करिएगा। इसको मैं सबको मैं मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट दें, और ये ज़रा थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करके हम रेस्ट देते हैं 5 मिनट का। और 5 मिनट के बाद हम आपको इसको फ्राई करके दिखाते हैं। चाहें तो 10 मिनट, 20-25 मिनट आप रखें, जब जैसे भी रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ना मैं यहाँ पे देखें, मैंने 2 चमचे कॉर्नफ्लोर लिया है, जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये देखें, मेरे पास ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें मैंने अपने चॉपर में बारीक चॉप कर लिए हैं, ये है। और ये मेरे पास देखें, ये शिमला मिर्च हैं 2, और 2 छोटी प्याज हैं, इनको मैंने इस तरह चकोर स्लाइस में कट कर लिया, तो ये भी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को हम अभी अपना साइड करेंगे, और अभी हमारा ये प्रोसेस है, और हम इसको 5 मिनट के बाद आपको इसको फ्राई करके दिखाते हैं। अच्छा देखें व्यूअर्स, ये इसको 10-15 मिनट हो गए मैरिनेशन हुए हुए इसका, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसका ये देखें, फ्राई करने का प्रोसेस ये डालते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम पे, ये ज़रा इसको हाथ से ही डालते हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए। अच्छा, जितनी आपके पैन में जगह हो उतनी डालें, बहुत ज़्यादा ना भर दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से बस ये कुक और क्रिस्पी ही रहे। इस तरह हमें करना है, कुक करने का भी टाइम देना है थोड़ा सा इनको। अभी हम हमारे पैन में देखें इतने आ रहे हैं, बस हम इतना डाल रहे हैं और हाफ बचा लेते हैं अपना। ये मैं एक और डाल देते हैं, बस ये ले लेना, ये बाकी मैंने बचा दिया। अभी मैं, हम इसको सेकेंड शिफ्ट में लगा लेंगे, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम है हमारा, ये अच्छे से फ्राई हो जाती हैं, गोल्डन फ्राई होते हैं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा देखें जी, ये बिल्कुल फ्राई हो गया, गोल्डन कलर आ गया, और चिकन भी बिल्कुल गल गया है। और ये देखें, हमने 1 बैच तो हमने इसका निकाल लिया था और सेकंड डाल दिया था, तो ये देखें, ये अब हमारी गरम गरम सी, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। बस सारा प्रोसेस इधर तक का ही होता है ज़रा सा काम का, बाकी तो बहुत ईजी है।
क्योंकि ड्राई चिली बना रहे हैं, पकोड़े जैसे आपको लग रहे होंगे लेकिन ये है नहीं पकोड़े। अच्छा, हम इधर का जो ऑयल है हमारा, इसको हम दूसरा ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमने अपना पैन में ये थोड़ा ऑयल ले लिया, थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हम कुछ सालन वगैरह नहीं बना रहे, चाइनीज़ में वैसी डिशेज़ में कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये देखिए मैंने बिल्कुल फाइन जो लहसुन अदरक और हरी मिर्चें भी इसी के साथ चॉप कर लिए, ये डालेंगे, इनको थोड़ा सा सौते करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट बनती है ये डिश, बहुत कोई सालन कोरमे की तरह नहीं बनती है, चाइनीज़ खाने में बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। फ्लेम हमारा हाई पर ही है, मीडियम टू हाई, इसको सौते कर लेंगे, ज़रा सा इसमें फ्लेवर आ जाए, इसका लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा ज़रा सा, तो फिर हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डालते हैं। बस देखिए ये हमारे हमने अपना अलग से कॉर्नफ्लोर लिया था 2 चम्मच, इसमें हम पानी ऐड करके और इसको घोल लेंगे अच्छा सा, ये इसको बिल्कुल फाइन सा पेस्ट कर लेंगे, वैसे ही घुल जाता है पानी में जाते ही। अभी जब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे तो उसको हम गाढ़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम रखते हैं साइड में। और ये देखें अभी हम अपना फ्लेम थोड़ा सा लो कर रहे हैं, और ये जनाब ये देखें ये हमारा ये हो गया है। अब हम अपने स्पाइसेस ऐड करने शुरू करेंगे हल्के हल्के, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक ले लेती हूँ, नमक डाल देंगे हसबे जायका, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि चिकन में भी हमने डाला था, और अगर कम लगेगा तो डाल देंगे। अच्छा, इसके साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी, ये देखें मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, कम लगी तो देखेंगे वरना ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, ये हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, एक दो चम्मच सोया सॉस, सॉरी चिली सॉस डाला है मैंने, सोया सॉस नहीं डाला है। अच्छा, ये सोया सॉस है मेरे पास, ये देखें ये भी मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, मैं अपने अंदाजे से और अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी भी आपके पास चिकन हो, जिस तरह भी आप बना रहे हो। सिरका डालेंगे थोड़ा सा, सिरका ज़्यादा नहीं डालेंगे, अच्छा बस 1 चम्मच बहुत है, ज़्यादा खटास नहीं देनी है। अभी देखें गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, थोड़ा सा इसको चलाएंगे थोड़ा। अच्छा ये देखिए, ये मेरे पास वॉस्टर सॉस है, मैं सारे सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये मेरे पास वॉस्टर सॉस है, इसके भी मैं 2 चम्मच डाल दूँगी बस। मैं सब अब मेरा अपना अंदाज़ा है तो मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, और ये मेरे पास हॉट सॉस है, ये मैं 1 चम्मच ये डाल रही हूँ। इन सब से ना फ्लेवर अच्छे आते हैं, और इनका सबका अपना एक अलग फ्लेवर होता है। ये 1/2 चम्मच मेरे पास चीनी है, ये चीनी डालूँगी मैं इसको स्वीटनेस देने के लिए। अभी इसमें देखें सॉसेज में इतनी अच्छी और प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा ये देखें, ये अभी गाढ़ा होने लगा है थोड़ा सा, तो ये मेरे पास जो वेजिटेबल मेरे अपने कटे हुए थे, ये सारी ये मैं इसमें डाल दूँगी, इनको थोड़ा सौते करेंगे। अच्छा, आपको चूल्हा बिल्कुल हल्का नहीं करना है, और इसको जो है फ्लेम अपना हाई करके ही रखना है, ताकि ये हमारी सौगी ना हो जाए। ये बस हमको ऐसा करना है कि ये थोड़ा इनका क्रंच भी रहे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे इसको, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद। अच्छा, मैं एक बॉल में पानी ले लूँगी थोड़ा सा। अच्छा देखें, ये आपको इसके थिकनेस नज़र आ रही है, तो ये ऐसा हैगा, और मैं इसमें ना थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी ग्रेवी, बिल्कुल ड्राई बनता है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ी ग्रेवी बनानी है इसमें, तो मैं इसको ऐड करती हूँ पानी को। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, ये देखिए मैंने इसमें भी पानी डाल दिया है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब ये देखिए, ये डालते ही ना फौरन जैसे गाढ़ा सा होने लगेगा, तो ये जनाब ऐसा होता ही है, ये डालेंगे, और इसके साथ ही इसको हम अच्छा फ्लेवर देने के लिए अभी थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसका, कॉर्नफ्लोर अपना कलर चेंज करेगा अभी, ये देखें ये डालना है, और इसके साथ ही मैं इसमें ही चिकन भी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये हल्का सा इसमें ऐड हो जाए, मिक्स हो जाए, और इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। अच्छा देखें व्यूअर्स, ये हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया है, तो ये देखें कितना अच्छा हो गया है इसका, ये थिकनेस देखें आप इसकी, ये हो गया। अच्छा, हम इसको देसी तड़का देने के लिए, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए, आदतों से मजबूर है तो थोड़ा सा हरी मिर्च ज़रूर डालेंगे, ताकि जिनको खानी हो स्पाइस थोड़ा सा लेना हो तो वो अपना खा सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे ग्रीन ओनियन भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो ये हम इसको यहाँ रखते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। सही है, तो देखें ये हरी मिर्च डाल दी हमने, और ये आपको लग रहा होगा इसके थिकनेस, देखें ये बिल्कुल वैसी गाढ़ा है जैसा आपको रेस्टोरेंट में
आपको सर्व किया जाता है, तो ये ऐसा आएगा। और इसको अच्छा टच देने के लिए मेरे पास सफ़ेद वाइट तेल हैंगे, तो ये देखें मैं इस पर डाल रही हूँ। ये देखेंगे इतने खूबसूरत लगते हैं, आप इनको डालें, बहुत अच्छे लगते हैं, फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। और ये जाना अभी हमारा ड्राई चिली चिकन बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको अपने वाइट राइस के साथ, सादे बॉयल उबले चावलों के साथ भी सर्व करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें आपके कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और हम आपसे मिलते हैं नए नेक्स्ट रेसिपी के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।